नमस्कार, मैं हूँ शालिनी कपूर सिंगापुर से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। नई किरण, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष हम लोग अलग अलग लोगों को भी आपको इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे साथ इंदौर से विशेष विजय जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेसर है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और वर्तमान में भी अभी जो विशेष एक प्रोग्राम है एजुकेशन का, उसी सिलसिले में वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपना विशेष लेक्चर देकर दूसरों को मोटिवेट करते हैं और ट्रेनिंग देने में उनका विशेष अहम भूमिका रहता है। तो खास उन्हें बुलाया जाता है यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस लर्निंग है, उसमें अलग अलग विषय लेकर जो लोग काम करते हैं, उस विषय में हम लोग जो है विशेष रूप से काम करते हैं। तो यहाँ पर इसी विशेष प्रोग्राम में ट्रेन द ट्रेनर्स से प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो इस विषय को लेकर वो हमेशा अपनी भावनाओं को लेकर आते हैं और वो मधुबना कर सेवा करके निकल जाते हैं। तो विजय जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई किरण प्रोग्राम में। जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओम शांति। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं यहाँ डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम में मैं फैकल्टी हूँ और यहाँ सेवाएं देने आया हूँ एजुकेशन में। जी, और पहले भी दे चुका हूँ और ये इसे मैं ईश्वरीय सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग समझता हूँ। सही बात है। और काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ। पहले भी मैं हूँ एजुकेशन से, इस काफ़ी टाइम से, लगभग 40 वर्षों से एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान समय इंदौर में मैं प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, यूनाइटेड मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम PCP क्लासेस के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ पर आप इंदौर में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उस स्कूल के बारे में बताइए, किस टाइप के एग्ज़ाम्स वहाँ पर पढ़ाई जाती है, वहाँ के किस तरह का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बताइए अपने स्कूल के बारे में। हाँ, स्कूल में जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ दो प्रकार की एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं। एक तो CBSE सिस्टम भी है और दूसरा MP बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम है। और उसमें NCERTC का सिलेबस आजकल चल रहा है। अच्छा। और इस समय वर्तमान में भी फरवरी में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस सभी जगह चल रहे हैं। पहले, काफ़ी टाइम पहले, करीब 9-10 साल पूर्व में एक परिवर्तन किया गया था। जो दो बोर्ड क्लासेस होती थी 5th और 8th की, वो बोर्ड हटा दी गई थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन हालांकि हम लोग भी उसके समर्थन में तो नहीं थे, लेकिन शासकीय नीतियां होती हैं, उसके हिसाब से एजुकेशन में प्रोग्राम्स बनते हैं। और उसका थोड़ा सा ये नेगेटिव देखने को आया था रिजल्ट्स, कि अप टू 9th कोई एग्जाम नहीं होने से, बोर्ड एग्जाम नहीं होने से लोकल एग्जाम्स हुआ करते थे। और उसकी वजह से फिर क्लास 10th तक आते आते बच्चे उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते थे। तो वो जो 10th बोर्ड के रिजल्ट हुआ करते थे MP में, मध्य प्रदेश बोर्ड के, तो वो काफ़ी निराशाजनक होते थे। और इसीलिए अभी इस वर्ष से ये कार्यक्रम तो पिछले 2 वर्ष से विचाराधीन था, लेकिन इस वर्ष से लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में कक्षा 5 और कक्षा 8, 5th और 8th को भी बोर्ड कर दिया गया है। और साथ में 9th और 11th की जो क्लासेस हैं, उसको भी बोर्ड पैटर्न के ऊपर मध्य प्रदेश शासन ने लागू किया, जो कि काफ़ी सराहनीय है और इससे अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। उससे हम लोग जो सिलेबस है वो भी NCERTC का लागू हुआ है, उसकी वजह से हम CBSE के लगभग हम अपने रिजल्ट दे सकेंगे। क्या बात है।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विजय जसवाल जी, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता मित्र जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी एमपी का जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि आध्यात्मिक जीवन का एक ऐसा अनुभव जो आपको यहाँ ब्रह्म कुमारी समय खींच के रखा है उसके बारे में थोड़ा सा सुनाइए, एक ऐसा अनुभव जो हमें भी अच्छा लगे और हम भी आपकी तरह जिस तरह से आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ शिक्षा में भी इसका विशेष उपयोग करते हैं मेडिटेशन का और सेवा करते हैं, तो एक पर्टिकुलर जो खास अनुभव है वो थोड़ा सा सुनाइए। हाँ, ये बात तो ठीक है कि बिना अनुभव के किसी भी एक आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ना संभव नहीं है। जी जी। और मेरी इस क्षेत्र में यात्रा लगभग 40 वर्षों से चल रही है और मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। जी। मैंने इसमें यह अनुभव किया कि जब हम मेडिटेशन जब सीखते हैं करते हैं तो उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो भी हम अच्छे संकल्प करते हैं उसमें हमें ईश्वर की तरफ से 100% ब्लेसिंग मिलती है। जी जी, जी। मैंने अपना एजुकेशन के बारे में ही देख ये अनुभव किया कि हालांकि मैं उस समय जॉब में ही था, टीचर था, लेकिन मुझे बार बार ऐसी प्रेरणा हुआ करती थी कि मुझे लिटरेचर में एमए करना चाहिए। अच्छा, जबकि अच्छा। मेरी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी और एक दो बार वैसे अनचाहे मैंने फॉर्म भी भर दिए थे लेकिन एग्जाम नहीं दे पाया था। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी बार बार ऐसा मोटिवेशन मिलता था, ऐसा लगता था कि मुझे कोई शक्ति प्रेरित कर रही कि नहीं आप उसमें लिटरेचर में एमए करो, कुछ करिए करो। हाँ। आखिरकार मैंने फिर एक बार फॉर्म भर ही दिया और डिपार्टमेंट से परमिशन भी ली और एग्जाम दिया। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं वास्तव में उस और मैं मेरिट की पोजीशन में आया विक्रम यूनिवर्सिटी में लिटरेचर में हिंदी में। और उस दौरान जब मैंने अध्ययन किया लिटरेचर का, साहित्य का, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया था जो मुझे उस साहित्य के अध्ययन के दौरान मैंने, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ा, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पढ़ी, सूर सागर पढ़ा, तुलसी का भी मानस, तो इन सब से और मीरा के भी रस, रहीम रस खान आदि, तो ये भक्त जो हुए हैं, कवि हुए हैं, संत हुए हैं, कबीर हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ जीवन के तजुर्बे हासिल हुए, बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव हुआ और काफ़ी सफलता भी मिली। और फिर आगे एजुकेशन में भी मैंने अच्छे परिणाम दिए हैं, जहाँ स्कूलों में कार्यरत रहा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप इस संस्थान से जुड़े और एक अलग अनुभूति आपने की है, और मैं कहूँगा कि अब बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्रों को? मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फैमिली लाइफ है हमारी, सर्विस लाइफ, बिजनेस लाइफ, लेकिन हमारे जीवन का एक पहलू जो सबसे सशक्त और हमको सबल करने वाला है और वो है स्पिरिचुअल लाइफ, तो हमको अध्यात्म से और वैल्यू से जरूर जोड़ना चाहिए और वो हमारे जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाता है। वो अंदरूनी खुशी जिसको हम कहते हैं कि परम आनंद की स्थिति और आंतरिक आत्मीय खुशी आनंद, वो तो मिलती है और साथ में जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एजुकेशन में पढ़ाते पढ़ाते फिर बाद में मैंने एक के बाद एक फिर एमफिल भी किया और अभी पीएचडी कर रहा हूँ मैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे उसमें भी जो हमें गाइड मिले हैं वो डॉक्टर राजीव शर्मा, जो कि काफ़ी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और इंदौर यूनिवर्सिटी में वर्तमान में वो अटल बिहारी शासकीय कॉमर्स आर्ट्स कॉलेज में है, पत्रकारिता के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अच्छा। उनसे मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। क्या बात है। तो काफी सफलता और खुशी मिलती है। जी 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 जी। विजय जायसवाल जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया,
और जैसे जैसे हम लोग किसी अच्छे संगत में रहते हैं और अच्छे सत्संग को सुनते हैं तो हमारा मानस पटल जो है बदलने लगता है और हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होने लगते हैं और वो अच्छी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और हमारा निर्णय शक्ति भी बढ़ती है जब हम लोग मन एकाग्र करके ईश्वर को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राजयोग सीखते हैं, तो काफ़ी हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में बदलाव आता है। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को अगर अपनाते हैं और इसका प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी चेतना के साथ यानी अंतरात्मा के साथ जीने लगते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से परिस्थितियां हमें जो है डरावनी बन के हमारे बीच में आती हैं, कई छोटी छोटी बातें हमारे बीच में एक बड़ा रूप लेके आती हैं और हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा स्टेंस में आ जाते हैं और चेतना को, अंतरात्मा को भूल जाते हैं या उसकी आवाज़ को प्रैक्टिकल में सुन नहीं पाते हैं। तो जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हम सुन पाएंगे और हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो चलिए विजय जायसवाल जी, बहुत ही अच्छा लगा, और आप एक शिक्षाविद होने के साथ साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह से चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में उसे अप्लाई कर रहे हैं। 35 साल लगभग हो गए आपको इस यात्रा में, और आगे भी रहेंगे और आगे भी लोगों को इसी तरह अपने अनुभवों को सुनाते हुए उन्हें भी इस सदमार्ग पर ले आएंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच विजय जायसवाल जी। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं और सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।